तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात किया था पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। सोलो गाइज, मैं हूं मनीष। और कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। टॉपिक में बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका जो अणु सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, वो है CaCO3। और जो है इस कैल्शियम कार्बोनेट का हमारी अगरबत्तियों में क्या काम है, मतलब क्या यूज है, हमें किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, और इसका यूज करने का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में जो है इस वीडियो में बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्या ये पाउडर डोलोमाइट है, माइन स्टोन है, या फिर चूना पत्थर का ये रूप है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कहाँ कहाँ किस किस जगह पे यूज होता है, इसके बारे में जो है आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, सो ये इसका मैं कुछ सूत्र और जो है फार्मूला लिखा हुआ हूँ। सो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि दो अपघटन क्रियाओं से मिलकर बनता है। ये एक केमिकल का फॉर्म है, और जो है ये खास एक पाउडर के फॉर्म में होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये थोड़ी सी बहुत वेट होती है, मतलब वेट वाली चीज़ है, वजन वाली चीज़ है, और ये पूरी की पूरी पाउडर फॉर्म में है। इसका एक रूप जो है हम खनिज पदार्थों के रूप में भी जानते हैं, जैसा कि आप लाइमस्टोन आप देखे होंगे, चूना पत्थर देखे होंगे। सो ये सारी चीज़ें भी इसी का एक हिस्सा है, लेकिन वो चीज़ें क्या है, खनिज पदार्थों में गिनाई जाती हैं, मतलब खनिज है, मतलब जमीनों से जो है निकाली जाती है, उसे उसके जो है अलग अलग जगहों पे माइंस होते हैं, खदानें होती हैं, तो वहां से वो खनिज पदार्थों के रूप में निकाली जाती हैं। लेकिन जो ये हमारा प्रोसेस है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये हमारा केमिकल का एक फॉर्म है, जो कि आपको फॉर्मुलेशन में दिख रहा होगा CaCO3, जिसे इसे रासायनिक गुणों और कुछ अपघटन क्रियाओं के द्वारा इसे बनाया जाता है। और उसके बाद जो है हमारी अगरबत्तियों में किस तरीके से काम करती हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे, कई लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है और इसे हम किस तरीके से यूज करते हैं। सो कुछ लोगों को इसकी नॉलेज की कमी है, और जिनको इस चीज़ों के बारे में पता नहीं है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पता नहीं है। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो इसे मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ और ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। अब यूज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो हमारी वुड पाउडर्स होती हैं, तो आप इसमें कोई भी कैटेगरी की पाउडर ले सकते हैं, T1 हो, रबड़ वुड हो, सॉ वुड डस्ट हो, जो भी पाउडर हो। सो उसमें एक जो है कॉन्सेंट्रेट की बहुत कमी होती है, मतलब हमारा जो स्टिक है वो फिनिशिंग नहीं बनता, डिपिंग रेशियो भी कंट्रोल नहीं होता। सो उनकी वजह से ये जो पाउडर्स है देखने में आपको प्योरली वाइट दिखेगा, और ये पाउडर फॉर्म में है और जो है लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा वजन है। सो इसे यूज करने से उसमें एक कॉन्सेंट्रेट काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब वो जो पाउडर्स है हमारा वो काफ़ी लचीलापन बन जाता है। उसके साथ गम पाउडर या फिर जोस पाउडर की मिक्सिंग के प्रोसेस में इसे भी जो है कुछ परसेंटेज आप यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़ किया जाता है। इसे मान के चलूँ तो जैसे हमारा एक एग्जांपल देता हूँ, 101 kg का जो हमारा प्रीमिक्स का पाउडर होता है, तो उसमें इसे आप 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम के बीच में आप यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने का प्रॉपर मिक्सिंग करने के बाद इसे मशीन चलाने के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि मशीन में जो प्रोडक्शन होती है, तो प्योरली वुड पाउडर से अगर हम अगरबत्तियाँ बनाएं तो थोड़ी सी मशीन चलने में या फिर पिस्टन को हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सो उनके वजह से क्या है, ये पाउडर उसमें हेल्प करती है, जिससे मशीन का प्रोडक्शन भी बढ़ता है और जो है अगरबत्तियाँ भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग होती है, और इसमें डीपिंग रेशियो सारा चीज़ एक्यूरेट होता है। सो इसके वजह से जो है कैल्शियम कार्बोनेट का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके पीछे कुछ इसके नुकसान भी हैं, जैसा कि आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये आपकी अगरबत्तियों में काफ़ी तकलीफ़ें पैदा कर देगी। इनका बेसिक रूल है 100 से लेके 200 ग्राम के बीच में ही आपको यूज़ करना है, इससे ज़्यादा आप यूज़ करोगे
सो हो सकता है कि उसमें बर्न प्रॉब्लम जो है कम हो जाएगी, मतलब बर्निंग की इशू आ सकती है। दूसरा आपका परफ्यूमिंग, जब आप इसे परफ्यूमिंग के प्रोसेस में ले जाएंगे तो फ्रेग्रेंस में भी ये प्रॉब्लम कर सकती है। सो इसका आपको जो रेशियो है, परफेक्ट रेशियो है 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम के बीच में, 150 ग्राम, 180 ग्राम, 180 ग्राम इतना ही तक ही आप यूज करें इसे, और जो है इसका रिजल्ट काफी हद तक अच्छा ही आता है, मतलब इतने रेशियो पे। और इसे जरूरत से ज्यादा भी यूज ना करें और जरूरत से कम भी यूज ना करें। तो इसे हमारी अगरबत्तियों में किस तरीके से यूज करना है वो तो आप समझ ही गए होंगे। और जो है इसका अगरबत्तियों के साथ साथ और काफी सारी चीजों में इसका यूज जो है किया जाता है, मतलब उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि जो पीवीसी पाइप्स बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं वो काफी हद तक इसे यूज में लेती है। दूसरा जो आर्किटेक्चर्स जो बनाने वाली कंपनियां होती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर टाइल्स, मार्बल्स, तो इन सारी चीजों में भी कैल्शियम कार्बोनेट का जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यूज की जाती है। उसके साथ साथ आजकल जो मेडिसिन फार्मा कंपनीज भी इसका कैल्शियम टैबलेट्स बनाने में इसका यूज में लेती है, कैल्शियम टैबलेट्स बनाने में इसे उपयोग में लाती है। तो ये बहुत सारे चीज़ों पे वर्क करती है कैल्शियम कार्बोनेट। और तो आज की इस वीडियो में कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।